हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ लाउंज। टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वेरी स्पेशल एग करी। जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाफ के जी राइस। नए चावल जो आते हैं सीज़न में वही हमें चाहिए, उसी के साथ ही रेसिपी हमारी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 लीटर पानी। इन राइस के लिए वाटर हमें ज़्यादा ही ऐड करना है, क्योंकि हमने इसकी स्टार्च जो है वो स्टेन करके जो निकालनी है, उसके साथ ही हमारी सेकंड रेसिपी रेडी होने जा रही है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तकरीबन आप अपने राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो निकल जाएगा। ऑलमोस्ट 3 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं, बॉयल आने देते हैं इसमें। जैसे ही पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें राइस डाल देंगे और इनको अच्छे से बॉयल करेंगे। जी फ्रेंड्स, रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैं ले रही हूँ ग्रीन अनियन, जो कि 3 से 4 उसके बड़े जवे जो होते हैं वो पूरे के पूरे मैंने कट किए हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा फ्रेश धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने मोटा मोटा कट किया। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। जो पानी हमने रखा था इसको चेक कर लेते हैं। जी वैसे आप देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। इसमें अब अपने राइस जो हमने डिप करके रखे थे उसको इसमें डाल देते हैं बॉयल होने के लिए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पेस्ट हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसी तरह की एक पेस्ट हमें चाहिए थी। फर्दर हम इसको करते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि राइस जो है ये अच्छे से इसमें बॉयल आ रहे हैं और चाहिए। जी जस्ट थोड़ा सा टाइम इसको मैं और दूंगी और उसके बाद मैं इसको स्टेन करूंगी। अब थोड़ी देर। जी फ्रेंड्स, आप 2 मिनट्स हम आ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ से स्टेन कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राइस हमारे अच्छे से स्टेन हो चुके हैं। और ये जो राइस में से जो हमारा स्टार्च का निकला है, इसी के साथ हम एक बहुत टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। और राइस को अब हम क्या करेंगे, वापस उसी बॉल में डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे अपने पैन में। यहाँ उसी पैन में हम दोबारा से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। जी भैया, सब मैं इसमें ये पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, पहले इसमें जाएगा सॉल्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो स्टार्च निकली है राइस की उसमें भी सॉल्ट था। 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काला जीरा, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ओनली इन थोड़े से स्पाइसेस के साथ बहुत टेस्टी ये रेसिपी हमारी रेडी होने जा रही है। एक टमाटर मैंने लिया है जिसके मैंने पील ऑफ कर लिया था, जिसके मैंने छिलके पहले से उतार लिए थे और फिर मैंने उसको कट किए। फ्लेम लो कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। टमाटर भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम अभी मैं इसको दूंगी। जब तक मसाला हमारा अच्छा सा यकजान ना हो जाए, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएंगे। इसको अच्छे से भून जाए और घी इसका सेपरेट हो जाए, फिर इसमें हम स्टार्च ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही। स्टार्च जस्ट जो एक थिक राइस का एक सिरप निकलता है बॉयल करते वक्त, वो इसमें मैंने ऐड किया है। और अब इसको हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर कुक करेंगे, ताकि ये थोड़ा और थिक हो जाए। जस्ट इसमें 1-2 बॉयल्स आ जाएँ तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ मुझे चाहिए होंगे बॉयल्ड एग्स, क्योंकि सेपरेटली बॉयल करके मैं इसके साथ सर्व करूँगी।
यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया। स्टीम इसमें इतनी आ रही है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ और अब मैं रेडी करने जा रही हूँ तड़का। पहले थोड़ा सा ऑयल जी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं थोड़ी सी साबुत सुरख मिर्चें ले रही हूँ, 7 से 8। इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको भी कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। हम इसको कवर कर देंगे ताकि उसकी जो खुशबू है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। जी तो आइए सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक बनी है। राइस के साथ इसको हम सर्व कर रहे हैं और राइस की ही ये स्पेशल डिश है। बहुत टेस्टी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।